हाय रब्बा वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। कौन कौन? मोना हमारा डब्बा वाला? मोना? हाँ? वो आया नहीं है, वो आ गई है। और आज जरूरत से ज्यादा खूबसूरत लग रही है। द सेंसेशनल, द ब्यूटीफुल, द द द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन फराह खान। नाइस पीटे, मैं हमारी स्पेक्टेकुलर शानदार सेमीफाइनल वीक आ गया है की बात कर रही थी। और मोना वो देखो। हाँ? वो दिख रहा है तुम्हें? हाँ? मैं देख रहा हूँ वहाँ 9 लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, बाकी के 3 को हमारे गुड लुकिंग और इंटेलिजेंट जजेस ढूंढेंगे आज सेमीफाइनल्स में पहुंचने की इस दौड़ में। आज आपको क्या तूफानी करामात दिखाई देंगे उसकी एक झलक। कुछ दिनों से मेरा ये सुलगता जिस्म, ये कप कपाते होंठ, ये ठरठराता बदन, ये लकड़ाती आवाज मुझसे पूछते रहती है, क्या मुझे प्यार है? नहीं मेरे दोस्त, तुम्हें चिकन गुनिया का बुखार है और इस मर्ज से बचने के लिए तुम्हें स्वयं भगवान की दरकार है। मुझे बचाने के लिए आएंगे मेरे गणेश जी, हनुमान जी आएंगे। ओफो, तुम्हें बचाने के लिए तो राम जाने कौन आएगा, पर हाँ हमारे आने वाले क्वार्टरफाइनलिस्ट के सर पर गणपति पापा का हाथ तो है ही। अब बाहुबली हनुमान से भी इन्होंने सेटिंग कर ली है। ये आ रहे हैं हनुमान जी एक्ट के साथ। प्लीज वेलकम द बॉयज ऑन ग्रुप। मेरा नाम किशोर है, हम लोग बॉयज ऑन डांस अकेडमी मैंगलोर से है। पिछले परफॉर्मेंस में हम लोगों ने गणपति का सीक्वेंस किया था तो जजेस और जनता को बहुत पसंद आया था। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा। और हम लोग क्वार्टर फाइनल तक आ गए। बॉयज ऑन, मुझे लगा कि मैं वेस्ट एंड या ब्रॉडवे में कोई बॉम्बे ड्रीम्स या ऐसा कोई इंटरनेशनल शो देख रही हूँ। योर प्रेजेंटेशन इतना अच्छा था, दैट वाज ब्यूटीफुल यार। हम लोगों को इतना टेंशन नहीं है क्योंकि हम लोगों को मालूम है हमारा परफॉर्मेंस जो भी है अच्छा है, तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग भी कुछ नयापन दिखा के ऑडियंस को एंटरटेनमेंट करेंगे। इस पर क्या लाए हो? प्रसाद मैम। कहाँ से? हमारा गांव से मैम। लाओ 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 लाओ। आज क्या करने वाले हो? आज हम लोग हनुमान जी के रूप दिखा रहे। अरे वाह, पहले गणेश जी अभी हनुमान जी, सेमीफाइनल में पहुंच गए तो क्या करोगे? भारत में इतना भगवान है, इधर 500 एपिसोड रहेगा तो भी हम लोग भगवान के रूप दिखा सकते हैं इधर। तो जब इतनी बड़ी बात बोल दी तुमने तो हम भी एक बड़ी बात बोलते हैं, तो हम एंटरटेनमेंट शुरू किया जाए बोलते हैं।
इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया आपने, इतना अच्छा कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट था टिल द वेरी एंड, और इतना पावर था, इतना एनर्जी था इन योर डांस, विच आई वुड लाइक टू से खुश होए तुम पर हनुमान जी, खुश होए तुम पर रामा, तुमने इस मंच पर मचा दिया हंगामा। बॉयज ऑन, आप लोग ने कही, आपने प्रॉप्स यूज किए, करेक्ट, पूरा वो लंका जलाने का दाद देती हूँ उनको जिन्होंने हनुमान जी को उठाया हवे में, और That is what I meant, that it was entertaining. Dance bhi tha isme, aapki talent bhi tha, aur ek story bhi boli aapne. And the presentation was fabulous. Thank you, ma'am. So, well done, boys on. Thank you, ma'am. Thank you. Very, very well done, all you guys, and good luck. Thank you, sir. Thank you. विशाल, मोना, इस मंच पर कितनी कितनी दूर से लोग कितने अलग अलग मकसद के साथ आते हैं ना। हाँ मोना, सही बात है। देखो मैं खुद 1.5 किलोमीटर दूर से रोज यहाँ अपने 2 वक्त की मूंगफली के लिए आ जाता हूँ। हाँ, और जेब में भर कर उन्हें घर भी ले जाते होगे। हाँ। वैसे लोग यहाँ फेमस होने के लिए पैसे जीतने, जजेस से मिलने आते हैं कि उन्हें फिल्मों में चांस मिल जाएगा, पर हमारे आने वाले क्वार्टर फाइनलिस्ट आए अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने। प्लीज वेलकम द रायबीशी ग्रुप। मेरा टीम का नाम नवोदय रायबेशी। मेरा टीम में अभी 10 प्लेयर है। पहले जिस टाइम परफॉर्म किया था उस टाइम मेरा अंतर में बहुत टेंशन था। इतना बड़ा शो और पहली बार। हमारा शो हुआ तो बहुत अच्छा लगा, जो उन्होंने उठ के ताली बजाई और हम तो खुशी से पागल हो गए थे। तो सलमान जी को देखा तो बहुत खुश हो गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अमेजिंग, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। हैट्स ऑफ टू यू ऑल गाइस, सुपर परफॉर्मेंस। मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट का खड़गाम पुलिस स्टेशन का रतनपुर जो गाँव, वो गाँव पहले बहुत खतरनाक था, बम गोली ये हर टाइम चल रहता था, लेकिन अभी शिक्षा दीक्षा हुआ के बाद कुछ लोग सर्विस पाए, उसके बाद अभी मेरा गांव चेंज हो गया। मेरा दिमाग में एक नया आइडिया आया था, ये मेरा गांव पे जो लड़का लड़की बच्चा बच्ची है उसको रायबेशी सीखने के लिए एक स्कूल बनाएंगे। तो इस तरीका में कुछ मानी नीड था, तो वहाँ पे जो 1 लाख रुपया मेरे को मिला, 1 लाख रुपया के मैं कुछ स्कूल बनाए के खर्चा करेंगे, और बाकी मेरा जो प्लेयर है वो प्लेयर का कुछ कुछ क्या कर दे देंगे। हम लोग जो खेलता है एक साथ में तो सब एक दूसरे का भाई की जैसा है। कोलकाता पर खेला था मुर्शिदाबाद के लिए, मुंबई में खेल रहा हूँ बंगाल के लिए, ऐसा ही कुछ इंडिया के लिए खेलो, बाहर कोई काटे नहीं, ऐसा सपना है।
इसे कहते हैं स्पॉटलेस परफॉर्मेंस. एब्सोल्युटली. थैंक यू मैम. मजा आ गया. आलम प्रणाजी, कैसा लगा ये पूरा एक्ट? जो आज क्वार्टर फाइनल की इज्जत रखी है आपने, तो मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ आपको मेरे अंदाज में. इरशाद अनुजी, पसीना बहाते हो वाह 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 वाह, और पसीने की बूंदों से अपनी बाल्टी भरते हो. वाह वाह वाह. तुम लोग दो रोटी कमाने के लिए ना जाने क्या से क्या करते हो. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू. ये परफॉर्मेंस वॉज एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस. थैंक यू सर. एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा का कुछ तुमने फिर से करके दिखाया. थैंक यू सर. थैंक यू. रायबिशी, आज तो तुमने मजबूर कर दिया कि हम बार बार खड़े होके तुम्हारे लिए ताली बजाया है. ऐसे एक्ट कोई भी सीजन में किसी भी शो पे हमने नहीं देखे. थैंक यू मैम. थैंक यू. आनंदो, ऊपर बैठ के मोना को बहुत आंख मार रहे थे ऐसे ऐसे. हाँ, मार के बताओ कैसे मारा था. कैसा मारा था आंख? मारो मारो. थैंक यू. बहुत अच्छा था. आल्सो गॉड ब्लेस यू. तो जजेस, आपको पता है, अरे ये तो गहरी सोच में डूबे हैं. और विशाल, अरे ये भी हो, कभी आपने सोचा है कि हमारे महान जजेस क्या सोचते होंगे? अनु जी सोच रहे होंगे कि आज अभी तक किसी ने मुझे स्टेज पर डांस नहीं करवाया. और फारा सोच रही होंगी अनु की शायरियों को वो एक डायरी में लिखे और अपने हाथों से उसे दो गज जमीन के नीचे तपना दे. मैं क्या सोच रहा हूँ? तुम सोच रहे होगे कि काश कभी मैं कुछ सोच पाता. वाह 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 मुना, सब सब बिल्कुल एग्जैक्ट निशाने पर है. डैम गुड. थैंक यू. थैंक यू. वैसे हमारी अगली क्वार्टर फाइनलिस्ट के साथ 10 सेकंड बिता दो ना तो जिंदगी का हर निशाना सही लगेगा. वो तो है साक्षात कलयुग की लेडी अर्जुन, हिंदुस्तान की हर नारी का गर्व, जय लक्ष्मी. मेरा नाम जयलक्ष्मी है. मैंने लास्ट टाइम ये शो में परफॉर्म किया था एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा. मैंने अच्छा किया. जजेस रिएक्शन वाज रियली गुड. मैं चंद्रपुर से आई हूँ. इट्स अ काइंड ऑफ प्लेस वेयर आई डोंट गेट एनी एनकरेजमेंट. आई हैव फुल एनकरेजमेंट फ्रॉम माय फैमिली. स्कूल वाले दे नेवर यूज टू सपोर्ट मी. दे यूज टू से या तो आर्चरी करो या फिर स्कूल में जाओ एग्जाम दो. सो मैंने सोच लिया मैं आर्चरी करूँगी. और मैं 2016 नहीं हुआ था, 2020 में ओलंपिक गोल्ड लेकर आऊँगी.
इसे कहते हैं एब्सोल्युटली स्पॉटलेस परफॉर्मेंस। यार जयलक्ष्मी, पहले तो तुम अपना नाम चेंज कर दो, और आज से तुम्हारा नाम है लेडी अर्जुन, क्योंकि जैसे अर्जुन ने पानी में देख के मछली की आंख मारी थी, वैसे तुम मिरर में देखकर शूटिंग कर रही थी यार, एंड इट वाज मतलब स्पॉट ऑन जिसे बोलते हैं। स्पॉटलेस तो एक होता है, स्पॉट ऑन परफॉर्मेंस ही। थैंक यू सो मच। वो वाला बलून तो तुम्हें दिखाई भी नहीं दे रहा होगा जो ब्रिक वॉल के पीछे था, तो वो कैसे तुमने निशाना लगाया? मिरर से रिफ्लेक्शन देख। वो भी मिरर से रिफ्लेक्शन देख के। माय गॉड। बट जयलक्ष्मी, आज तक जितने भी हमारे शो में आचर्स आए हैं, यू आर द बेस्ट ऑफ द लॉट। थैंक यू मैम। अच्छा अनु जी, आपने तो एरो पकड़ ही लिया। देखिए, मैंने एक्चुअली इस तीर को एज अ मेमेंटो रखा है मैंने। जया, यू वर सुप्रीमली आउटस्टैंडिंग। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस आई हैव सीन ऑन एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, एंड दैट क्रेडिट गोज टू यू। फैंटास्टिक। आपके दादा आए हैं साथ में। पिछली बार अपनी बेटी का परफॉर्मेंस टीवी पे देखकर आपकी फैमिली और चंद्रपुर के लोगों का क्या रिएक्शन रहा? आई कांट एक्सप्रेस द फीलिंग्स ओवर हियर। एक्चुअली आई एम डेड अगेंस्ट व्यूइंग टीवी। टिल नाउ आई डोंट हैव टीवी इन माय हाउस। तो उस दिन मेरे दोस्त लोग, चंद्रपुर इज 23 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम आवर हाउस, दोस्त लोग कॉल किए थे, अरे यार तुम्हारे घर में कैसे भी टीवी नहीं है, हमारे घर में डिनर पे आ जाओ और देख सकते हैं करके। तो हम वहाँ पर गए थे, और मैं ऑलमोस्ट सिंस 8:30 मैं रस्ते में था। वहाँ से मुझे कॉल्स आने लग गया टिल 10:30, 10:45 तक। तभी मेरा दोस्त कॉल करके घर में मैं बताया, भैया कल मेरे को एक टीवी भेज देना। वेरी गुड। We wish you all the very best, Jay Lakshmi. Thank you so much. वैसे विशाल, मोना, दुनिया में कौन बड़ा स्टार है ये जज करना है, तो देखो उसके पीछे कितने लोग पड़ते हैं। आज तक तुम्हारे पीछे कोई पड़ी है? अरे यार मत पूछो, मेरे पीछे तो रोज कोई ना कोई पड़ जाती है। हाँ देखो, कभी शहर की पुलिस पीछे पड़ जाती है, तो कभी पागल भैंस, कभी क्रेडिट कार्ड बेचने वाली लड़कियां, तो कभी इनकम टैक्स की टीम। रहने दो। पर हमारी अगली क्वार्टर फाइनलिस्ट के पीछे सारा जमाना पड़ा है। इस शो में आने के बाद उनके नाम 25,000 SMS और 11,000 ईमेल्स आए, और इस वक्त अभी स्टूडियो के बाहर करीब 7,000 माला माल लड़के माला लेकर बैठे हैं, इससे पहले कि कोई कोहराम मचे। प्रेजेंटिंग करोड़ों दिलों की धड़कन, द बंजारा ग्रुप। मेरा नाम आकांक्षा है, मैं दिल्ली से आई हूँ विद द बंजारा स्कूल ऑफ डांस। ये एक्ट कोरियोग्राफ किसने किया है? हमने और हमारी टीचर ने मिलकर किया। जिन्होंने भी किया उनको मेरा मतलब मैं सब कंटेस्टेंट से यही कहना चाहती हूँ कि आप हमें कम मत समझिएगा, क्योंकि हम अपनी कमर से आपको हिला कर रख देंगे। सब चंगा। आप इतना बताइए, सब लोगों ने क्या तैयारियां की है सेमीफाइनल में जाने की? हमने सेमीफाइनल में जाने के लिए बहुत मेहनत करी है, बिल्कुल तैयार हैं अपने सब कंपेटिटर्स से लड़ने के लिए, और इसीलिए आज हम उसी स्पिरिट में आए। बंजारा ग्रुप हो तो तुम्हें बेली डांसिंग ग्रुप, तो आज ढोल वोल के साथ थे, मतलब पूरा इंडियन तड़का। बार बार मामा बेली डांस देख के आप भी बोर हो जाओगे ना, तो नहीं नहीं विशाल कभी नहीं बोर होगा बेली डांस। कोई नहीं बोर होता। बट आई लाइक के बेली डांसिंग को इंडियनाइज कर दिया है तुम लोगों ने। एग्जैक्टली, आज हमारे आज के पीस का नाम है बल्ले बेली। बल्ले बेली, वाह वाह बल्ले बेली। तो फिर एंटरटेनमेंट शुरू किया जाए।
जी पढ़ो. I love you, Sakshi. Marry me. I love you. आए हाय. वाह 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 वाह. आपको तो दिखाई दे रहा है कि आप कितने फेमस हो गए हैं. कैसा लग रहा है आपको इस वक्त? बहुत ही अच्छा लग रहा है, पर अभी टाइम है, अभी स्टार बन गए थोड़ा लाइन में. आए हाय. अच्छा, इससे पहले कि हम अपने जजेस से कमेंट्स लें, मेरे लिए आप एक फेवर करोगे? हाँ, मुझे एक स्टेप सिखा दीजिए प्लीज. मैं आप लोगों के बीच में आना चाहता हूँ. इसीलिए बस इसीलिए. अच्छा, और आप मुझे एक स्टेप सिखाएंगे. ऑलराइट एवरीबॉडी रेडी? तो 1 2 3 लेट्स गो. अच्छा मोना, तुम वहीं से कंटिन्यू करो, मैं हिलने नहीं वाला हूँ. हाँ, हाँ. फारा जी आप बताइए. विशाल, बाद में स्टेप करोगे ना मेरे लिए? ऑफ कोर्स, आपके लिए तो पर्सनल. हाँ, प्राइवेट. ये वाला डांस कैसा लगा? बंजारा ग्रुप यार, आई लव द फैक्ट कि आपने बेली डांस को नॉर्मल वे में नहीं किया, उसको आपने देसी बना दिया और एक नया रूप दिया, बिकॉज दैट्स व्हाट आवर शो इज अबाउट. और इतना अच्छा लग रहा था कि पंजाबी बीट्स पे बेली डांसिंग हो रही है, सो दैट इट सेल्फ वॉज सो फ्रेश एंड इनोवेटिव कि वहीं पे आपको सारे पॉइंट्स मिल गए यार. और अनु जी, बल्ले बल्ली कैसा लगा? अपने अंदाज में मुझे कुछ तो कहना पड़ेगा आप लोग के लिए, अगर नहीं कहूंगा तो फिर तौहीन होगी. बिल्कुल. सही नमक, सही नमक, सही काली मिर्च और सही गरम मसाला, आपकी हर अदाओं ने हमें मार डाला. गर्ल्स, आई वांट टू आस्क यू ऑल कि आप नॉर्मल डांसर्स जो हम देखते हैं जो साइज जीरो होते हैं, थैंकफुली आप लोग वैसे नहीं हैं, काफ़ी हेल्दी डांसर्स हैं. आई लाइक द फैक्ट कि आप लोग बिल्कुल विदाउट बीइंग सेल्फ कॉन्शियस वाला यू नो डांसिंग डूइंग बेली डांस. लेकिन ये आपको डांस में हेल्प करता है या इससे डांस में दिक्कत आती है? मैं आप इजिप्ट में जाकर देखिए जो प्रोफेशनल बेली डांसर्स होते हैं, देर बिग पीपल. That's what looks good. In fact, कम मेहनत लगती है बड़े लोगों को क्योंकि सब अपने आप. नहीं, because you all look fantastic and I mean आप लोग इतने not at all self conscious. That was वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी. Thank you so much. And I'm glad कि आप लोग ये मैसेज फैला रहे हैं, because really I mean everyone should dance. Thank you very much. Come on, give them a very big वैसे मोना डार्लिंग, गाजर खाने के कितने फायदे हैं? अरे गाजर खाने से आंखें खूबसूरत होती हैं, मेरे जैसी, बाल सुंदर होते हैं फारा जैसे, और तंदुरुस्ती मिलती है गोंगो जैसी, त्वचा चमकती है अन्नू जी जैसी. इस सब के अलावा एक और फायदा भी है, ज्यादा गाजर खाओ तो वर्ल्ड के बेस्ट एंटरटेनर्स बन सकते हो, जैसे की है शिवम एंड ग्रुप. इससे अच्छा प्लेटफॉर्म हमें नहीं मिलेगा, इसके थ्रू हम जंपरों को प्रमोट करना चाहते थे. खड़े हो जाओ. Your guy was fabulous. शिवम एंड ग्रुप, पिछली बार तुम लोग जोकर बन के आए थे, इस टाइम रैबिट बन के आए हो, ये क्या चक्कर क्या है? मिस, पिछले बार हम जोकर बन के आए थे पर लोगों ने हमारा बड़ा मजाक उड़ाया, पर लड़कियों ने बड़ा भाव दिया. और क्या चाहिए यार. इस बार हम कुछ अलग थीम लेके आए जो कि रैबिट है. हाँ. इससे हम अलग लड़कियां पटाएंगे. एंटरटेनमेंट शुरू किया जाए.
क्वीन खान कैसा लगा ये पूरा एक्ट? शिवम एंड ग्रुप लास्ट टाइम भी तुम लोग ने जो भी किया था बहुत अच्छा था. आज बहुत क्यूट एक्ट था लेकिन थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हो रहा था ना आज, थोड़ा ऐसे मतलब वो टैंगल हो रहे थे, इंटैंगल हो रहे थे, फिर गिर रहे थे थोड़ा. मेरे को लगा आज इतना नीट नहीं था जितना लास्ट टाइम था तुम्हारा. लेकिन फरहान ने ये कह दिया है कि इतना मजा नहीं आया तो निराश होने की बात नहीं है. डोंट फील बैड अबाउट इट. फैंटास्टिक ट्राई. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू वेरी मच. वेरी गुड. आज सुबह तीन हट्टे कट्टे गुंडों को अकेले मैंने ऐसे 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 मार दिया. देखो अपने नए वीडियो गेम में. हाँ देखिए मेरी बाजुओं की ताकत. देखना जब मेरा बेटा पैदा होगा वो जरूर बड़े होकर कहेगा माय डैडी स्ट्रॉन्गेस्ट. वही मैं सोचूं तुम और एक्शन रियल एक्शन हीरोज तो हैं हमारे आने वाले क्वार्टर फाइनलिस्ट द मणिपुरी आर्ट ग्रुप. मेरा नाम तिकेन है. मैं मणिपुर से आया. हम लोग की जो टेक्निक है जो थोड़ा यूनिक है और अलग सा है. ताइक्वांडो कंग फू कराटे सबने देख चुका था. अब बारी थंगता की बारी. इंडियन मार्शल आर्ट थंगता हम लोग आ रहे क्या कर सकता है इंडियन मार्शल आर्ट दिखाने के लिए.
थांगटा ग्रुप आपको इतना कहना चाहता हूँ, मणिपुर से आप लोग आए हैं, हिंदुस्तान में प्रांत तो बहुत है लेकिन मणिपुर गजब है। मणिपुर का हर कलाकार चार्मिंग है और अजब है। थांगटा, पहले जब आपने शुरू किया तो स्लो स्टार्ट था लेकिन क्लाइमैक्स तक आते आते तो एकदम पकड़ लिया आपने ऑडियंस की इंटरेस्ट। थैंक यू। हाँ, बहुत अच्छा थांगटा किया और बहुत कॉन्फिडेंट, जो आपको बहुत दूर तक ले जाएगी। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। जोरदार ताली इन सब के लिए। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू। वैसे एंटरटेनमेंट के तीनों सीजन्स में सबसे ज्यादा हिट क्या रहा है? क्या गोंगू विशाल जजेस, एक मिनट, यू नो जजेस, इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी वजह से एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा का हर सीजन हिट रहा है, पर एक शख्स है जिसे आप टेलीविजन का सलमान खान कह सकते हैं। जैसे सलमान के साइन करते ही फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन जाती है, उनके आते ही हमारा शो सुपर हिट हो जाता है। सौरभ, जरा याद कीजिए। सौरभ, नमस्ते, मेरा नाम सौरभ चंद्रा है। इस सीजन 4 में मेरा फुल ऑन हुआ, जो बदले की आर्ट थी वो बुझ गई। तुम स्टार नहीं हो, तुम सुपरस्टार हो सौरभ। जिंदगी में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, एक स्टार बन गया हूँ। लोग स्टार की वजह से मुझे पूछते हैं, जहाँ भी जाऊँ सम्मान देते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा मैं, आने के बाद उसे जो सफलता मिली उससे मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मुझे इस सीज़न में इंसाफ मिला और मैं इस बार क्वार्टर फाइनल पहुँच गया दूसरे कॉम्पिटिटर्स से। उसमें उनकी कमी देखूँगा, कहाँ उनकी कमी है, और उस चीज़ से स्ट्रॉन्ग करके अपने आप को आगे बढ़ाऊँ। आसमान छूना है मुझे, तारे छूने हैं, और प्लेन से नहीं तो रॉकेट से सही। बच के रहना, सौरभ आ रहा है आप लोग की खट्टियाँ खड़ी करने। पार्टी थी और मुझे बुलाया भी नहीं, सिर्फ आपके लिए केक लेके आया। मेरा दिल तोड़ दिया ना तुमने, आपके लिए लाए। पार्टी पे क्यों नहीं बुलाया, नॉटी बॉय? सॉरी। करने क्या वाले हो? सरप्राइज है। सौरभ, पहले केक तो खाओ। केक लाओ, लाओ ना, काटो ना। ने तुम्हारी हर बात सुनी और समझी, अब हम बेताब हैं तुम्हारा एंटरटेनमेंट देखने को। तो फरा, एंटरटेनमेंट शुरू। अरे रुको, हां सॉरी सॉरी। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। यहां जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं क्वार्टर फाइनल में, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहां ना कंप्यूटर हूं ना कंटेस्टेंट हूं, मैं एक परफॉर्मर हूं, परफॉर्मर था, परफॉर्मर के जैसे रहूंगा, आगे भी चलता जाऊंगा। अभी डांस करेगा? हाँ। तो एंटरटेनमेंट शुरू किया जाए।
Come on, give him a big hand. Thank you. ओ जी जलेबी भाई जी आप तो छा गए सौरभ. थैंक यू क्या लगता है खुद को क्या लगता है कैसा परफॉर्मेंस था? बढ़िया बिंदा. सौरभ ये एक परफॉर्मेंस था मुझे लगा कभी ना रुके चलते रहे. तुमने सिर्फ चार हीरोइंस को ट्रिब्यूट क्यों दिया 40 को देना चाहिए था ना मैम. टाइम कम था ना बाकी कंटेस्टेंट्स कहाँ जाएंगे अगर मैं पूरा दिन भर का ले लूं शूट. अरे मैं तो चाहती हूँ कि सिर्फ तुम ही परफॉर्म करो. ठीक है अगली बार. एकदम खो जाते हो तुम परफॉर्मेंस में. थैंक यू एवरीवन. पैंट कहाँ जा रही थी तुम कहाँ जा रहे थे मतलब आउटस्टैंडिंग. तुम्हें फिक्र नहीं थी क्या पहना है क्या हो रहा है एकदम खो गए थे परफॉर्मेंस में. मैं ऐसी हूँ. अनुजी ने एक स्पेशल शायरी बनाई. आलमबरा जी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या ना बोल रहे हैं? हाँ बोल रहे हैं क्या हो रहा है आप? सौरभ 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 सीधा एक्ट को ना कमेंट करते हुए सीधा तुम्हारे पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ. शेर मत मारना प्लीज. तुमने जंग छेड़ दी. सौरभ आप बाकी और तारीफ करिए ना शेर मत बोलिए प्लीज. वैसी शेर कम है इंडिया में आप और मार दोगे. सौरभ तू सीधा है प्लीज. सौरभ तू सादा है. सौरभ तू पूरा है. सौरभ तू आधा है. सौरभ तू कम है. सौरभ तू ज्यादा है. मगर हम फिर मिलेंगे ये हमारा वादा है. जोरदार तालियां फॉर सौरभ. सौरभ वेल डन. एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा के एक्शन पैक्ड अपडेट्स के लिए सुनते रहिए बिग एफएम. इस पूरे सीजन में हमारा साथ दिया हमारे ऑफिशियल रेडियो पार्टनर्स बिग एफएम ने और आज हमारे साथ है बिग एफएम के पॉपुलर आरजे आरजे नितिन. वेलकम टू द शो नितिन. वेलकम. थैंक यू सो मच. हमें ये बताइए कि हमारे साथ ये एसोसिएशन आपका कैसा रहा? इट्स बीन वंडरफुल और अब तक ये चौथा सीजन है. और पिछली बार भी मुझे ये सौभाग्य मिला था कि मैं यहाँ पे आऊँ. इट वॉज फन. हम लोगों का एक ही फंडा रहता है कि एंटरटेनमेंट फुल ऑन देना है अपने लिसनर्स को राइट अक्रॉस ऑल द स्टेशंस. एंड ऐसे में एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा के साथ पार्टनरशिप इज जस्ट सुपर्ब. थैंक यू सो मच गाइज. इट्स थैंक यू. अब क्योंकि आप यहाँ पे आ चुके हैं हमारे क्वार्टर फाइनल्स चल रहे हैं तो आप भी हमारे कंटेस्टेंट्स के साथ बैठिए और शो का मजा लीजिए. कुछ करवाएंगे तो नहीं ना? शायद. ऑफ कोर्स. आप क्या कर सकते हैं एंटरटेनमेंट के लिए? कुछ भी कर सकता है. आप सोचिए एंड एंजॉय द शो फिलहाल. एंड वी आर रियली हैप्पी दैट यू आर हियर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक्स विशाल. मुना क्या तुम जानती हो कि मेरा सर सिर्फ चार माओ के सामने झुकता है? मेरी माँ, देवी माँ, राज माँ और उपमा. पूरे देश भर से 32 लोग स्टेज पर आकर लखपति बनकर यहाँ से गए हैं लेकिन मेरा नंबर नहीं आया. आज मैं अपनी माँ के आगे भीष्म प्रतिज्ञा लेकर आया हूँ. अपना ऐसा टैलेंट दिखाऊंगा कि मुझे फिनाले में डायरेक्ट एंट्री मिलेगी. अरे पर मेरे मिट्टी के शेर तुम करोगे क्या? देखो मुना हाँ. आज मैं जादू दिखाऊंगा रियल लाइफ जादू. कोई चुटकू पुटकू हाथ का पिद्दी सा ट्रिक नहीं लेकिन 100% असली वर्ल्ड क्लास जादू. वाओ विशु वाओ. मैं जानती थी कि तुम इतने निकम्मे बेकार और गए गुजरे नहीं हो जितना लोग तुम्हें समझते हैं. दिखाओ ये जादू दिखाओ. ओके फारा जी सिर्फ आपके लिए. कैन यू मेक समबडी डिसअपीयर? आई कैन मेक समबडी अपीयर. तालियां क्यों बंद कर ली यार? तालियां बजाओ. आप भी घर बैठे तालियां बजाओ. एक मिनट विशाल तुम 1,00,000 के नहीं 1,00,000 के लायक हो. खैर विशाल नहीं आपको हैरत अंगेज जादू दिखाएंगे क्वार्टर फाइनलिस्ट राम.
नमस्ते, मेरा नाम राज कलेश है। प्रोफेशनली मैं एक शेफ हूँ। मैजिक इज माई पैशन। मेरे लिए एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मेरा फर्स्ट एक्ट था द ग्रेट इंडियन बास्केट। लोगों को बहुत पसंद आया मेरा ट्रिक। राज, हमने बहुत बड़े बड़े मैजिशियंस यहाँ देखे हैं। वी हैव सीन मेनी मैजिक एक्ट्स इन सीजन 4, बट इतना फिनेस और इतनी स्मूथनेस और इतना क्विक, इट वाज एब्सोल्युटली, इट रियली वाज मैजिक। जजेस को भी बहुत पसंद आया, इसीलिए मैंने क्वार्टर फाइनल्स में आया। कलरफुल मैजिक यू नेवर सीन बिफोर। Thank you.
Full on! Full on! Full on! My God! Wow! Thank you. You know, हम सब इस वक्त शॉक में हैं कि ये हुआ तो क्या हुआ? मतलब हम सब ढूंढ रहे थे कि कहीं तो कुछ मिल जाएगा सुराग कि कैसे किया बट मैं चाहती हूँ कि वो जो आपने लड़की को गुल किया वो ट्रिक मुझे सिखाएं आप बाद में पर मैंने आपका नाम तो नहीं लिया मैजिशियन राज लास्ट टाइम भी आपने हमको मतलब चौंका दिया था वो स्नेक लड़की के साथ और इस टाइम तो आपकी टाइमिंग उससे भी ज़्यादा फास्ट हो गई है The thing is, we know it's an illusion or कोई trick है, but इतने split second में आप करते हैं, that is your mastery and your मतलब expertise over the magic. Practice makes man perfect. Yes. I would say, राज दुनिया में बहुत दर्द है और दुनिया में बहुत गम है. तेरे जादू ने सब कुछ भुला दिया. तेरे जादू में बहुत दम है. बाबा. हर magician का एक dream होता है कि मैं कोई ऐसा magic करूं जो किसी ने ना किया हो. तो आपका कौन सा ऐसा ड्रीम है? ड्रीम है टू मास्क द मून. टू मास्क द मून. नाउ दैट्स समथिंग इंटरेस्टिंग. एवरीबॉडी इज लुकिंग इनटू द मून. जी. दैट टाइम आई वांट टू मास्क दैट मून. उस वक्त बहुत बड़ी बात है. बहुत बड़ा ड्रीम है. आई होप दैट हैपेंस. या यू नेवर नो. वेट फॉर द जस्ट वेट फॉर द राइट एक्लिप्स. बट वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप कि आप हमारे सेमीफाइनलिस्ट बने. सो जोरदार तालियां राज के लिए. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू राज. थैंक यू वेरी मच. सो नितिन, आपने अभी राज का ये शानदार मैजिक देखा, आपको कैसा लगा? सी ऑल आई वांट टू से इज कानून के लंबे हाथों के बारे में सुना था. आज कानून के लंबे पैर और कानून को खुद देख लिया. वो बहुत खूबसूरत दिखती है. तो उसके लिए एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा तो थैंक यू सो मच. एंड राज को भी. नितिन, थैंक यू कि आप यहाँ पे आए और आई होप कि आपने हमारे शो का मजा लिया. जस्ट लव्ड इट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. ऑलराइट, जोरदार तालियां नितिन के लिए. जज़, मैं जिंदगी भर आपसे और कुछ नहीं मांगूंगी. कुछ नहीं, मुझे बस इतना बता दीजिए कि कौन है आखिरी तीन सेमीफाइनलिस्ट्स. तो पहला सेमीफाइनलिस्ट है आई थिंक वो एक्ट जिसने सबको डरा दिया, सबको हिला दिया और सभी मानेंगे कि वो सेमीफाइनल्स में आने के लायक है. राय बिशी ग्रुप. Congratulations, Raibishi Group! Congratulations! Thank you. All right, second semi-finalist, Anuji. Sabhi ne kamal kiya, lekin dil to un par aaya jinhone kuch aisa tadka mara, aise ladke chhadke diye ki dimag kharab ho gaya. Hi, Banjara girls, give them a big hand. Congratulations, ab aapko is gong se dar nahi. Y'all have reached the semi-final! Farah ji, please bataiye, kaun hai teesra semi-finalist? Teesra semi-finalist, wo hai, jiska act almost international level ka tha. Wo hai. Magician Raj. Congratulations. अब आपको इस गोंग से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. और अब ये तीन सेमीफाइनलिस्ट थोड़ा आगे आएंगे तो हम बताएंगे इनमें से स्पॉटलेस परफॉर्मर कौन था. So ladies and gentlemen, we present you our three semi-finalists. जिनको मिलेगा स्पॉटलेस परफॉर्मर ऑफ द डे, जिसे मिलेगा 51,000 रुपीज. एंड आई थिंक बहुत ही ऑब्वियस चॉइस है
टेंशन वन टेंशन टू राय बिशी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको मिलता है उजाला की तरफ से 51,000 रुपीज सोमवार से गुरुवार रात 8:30 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर एंटरटेनमेंट के वो तूफानी मंजर देखिए जिन्हें देखना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है क्योंकि ये है इंडिया बेस्ट एंटरटेनमेंट शो एवर उजाला प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा yeah!